सो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ गदर 2 मूवी के बारे में, और ये मूवी देख के मेरे को कैसी लगी ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मैं अपने छोटे से चैनल को ग्रो कर पाऊंगी। सो आगे बात करते हैं गदर 2 के प्लॉट के बारे में। हमें क्या देखने को मिलता है, मूवी के शुरुआत में बहुत सारे फ्लैशबैक देखने को मिलता है। उसके बाद हम देख पाते हैं तारा सिंह को, सकीना को, और उनका जो छोटा सा बच्चा था वो भी बहुत बड़ा हो गया है, उसको अभी एक्टर भी बनना है। और तारा सिंह ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो एक एक्टर बने, चाहते कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बन जाए वो, ठीक है। तो मूवी के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि तारा सिंह इंडियन आर्मी को हेल्प भी करता है। कैसे हेल्प करता है एक्सप्लेन कर दूं कि जब कभी भी इंडियन आर्मी एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है कहीं पे जहां पर उन लोगों के पास वेपन नहीं होता है, तो वो तारा सिंह क्या करता है, अपना ट्रक लेके पहुंचता है और जाके वेपन डिलीवर करके आता है, ठीक है, इंडियन आर्मी के पास। बड़ा ही खतरे वाला काम है, सो ये वो करता है। तो ऐसा ही एक फिर से उनको काम मिलता है जहां पर इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ रहे थे, और वहां पर तारा सिंह पहुंच जाते हैं और मतलब हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी को वेपन देके। सो यही हेल्प करने के टाइम पे वो कहीं खो जाते हैं एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, और उसके बाद से मूवी बेसिकली चालू होता है। उनका जो बेटा था जिसको एक्टर बनना था, अभी उसको जज्बाती बन के फाइटर बनने का है। सो वो पहुंच जाता है जज्बाती हो के पाकिस्तान, ठीक है। सो अब मतलब मूवी में जो भी होगा, जो तोड़फोड़ होगा, सब कुछ थिएटर पे जाके एंजॉय करना है, ओके। सो अब बात करते हैं इस मूवी में मेरे को क्या क्या अच्छा लगा। पहली बात तो नॉस्टैल्जिया, मतलब क्या नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ रहा था, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी मैं थिएटर के अंदर जाके। जो कि म्यूजिक है ना, वो सब कुछ इन लोगों ने गदर 1 का यूज किया है, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया है ताकि ये जो नॉस्टैल्जिया है ये इंटैक्ट रहे, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए मूवी के अंदर, तो बिल्कुल हुआ भी नहीं है। आगे बात करते हैं सनी देओल के बारे में। मुझसे सनी पाजी निकल रहा था, बट उन्होंने तो मना कर दिया ना अभी बोलने से, पाजी मत बुलाया करो, ठीक है, तुम्हें मीनिंग नहीं पता है तो मत बोलो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं फैन हूं तो इसीलिए मैं उनको मतलब है ना कि ऐसे बुलाया करती थी बचपन से कि हाँ सनी पाजी, बट अभी नहीं बुलाऊंगी। उन्होंने तो पूरा पाकिस्तान का ही एकदम पुंगी बजा दिया, मैं तो मामूली सी इंसान हूं यार, ठीक है, थैंक गॉड मैं इंडियन हूं। ना स्क्रीन से गोली, ओके फाइन। सो सनी देओल, ठीक है, सनी देओल ने बेसिकली मूवी के अंदर क्या किया है, गदर 1 में उन्होंने जो भी किया था यहां पर उन्होंने सेम किया है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो सनी देओल का मूवी चलता कैसे है, राइट, डायलॉग पे डायलॉग, कुटाई पे पिटाई, ऐसे ही चलता है। ये मूवी भी वैसा ही है, ठीक है, ढेर सारे डायलॉग है, ढेर सारे कुटाई है, पिटाई है, ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अमीषा पटेल के बारे में, ठीक है, उन्होंने मूवी के अंदर क्या किया है, गदर 1 में क्या किया था, ढेर सारा लिपस्टिक लगाया, मस्कारा, काजल, ये सब कुछ लगा के रोई, राइट, यहां पर भी वैसा ही कर रही थी, ठीक है, थ्रू आउट द मूवी कुछ खास इंपॉर्टेंस तो उनका बढ़ नहीं गया, बस रो रही थी, वो थी मूवी में, ठीक है, बस तारा सिंह को देख देख के पता नहीं क्या मतलब है ना कि उनको अचानक से ऐसे वो नॉस्टैल्जिया में जा रही थी, ठीक है, उन्हें अपना पुराने ख्याल आ रहे थे और मतलब वो रोमांस कर रही थी, और फिर एक दिन अचानक उनका पति खो गया, ठीक है, और वो काफ़ी दुख में थी और वो अपने पति को ढूंढने जा रही थी, वो भी लिपस्टिक और लाइनर लगा के, ओके, ये है। आगे बात करते हैं इस मूवी के अंदर तारा सिंह और सकीना का बेटे का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, उनका नाम आई थिंक है उत्कर्ष सिंह, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो मैं करेक्ट नाम बोल दूंगी यहाँ पर। सो उनका जो कैरेक्टर है कि मैं क्या बताऊँ, इस मूवी के अंदर तो पहली बात सब कुछ इतना आसान है ना, पाकिस्तान में जाके सब कुछ करना कितना ज़्यादा आसान लग रहा था एकदम शुरुआत में, फिर जाके थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, बट पहले तो बहुत ही आसान ऐसा लग रहा था, मतलब दिखाया जा रहा था काफी आसान तरीके से हो रहा है, मतलब बट समझाया जा रहा था काफी डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है, दिखाया जा रहा था काफी आसानी से हो रहा है बट समझाया जा रहा था काफी डिफिकल्ट तरीके से हो रहा है, ठीक है, मीनिंग नहीं बनता है ना, वैसा ही है, सनी पाजी का ही मूवी है, ठीक है, कुछ खास लॉजिक के साथ मत जाना। ऐसे ही मूवी चलता है, और यहां पर इनका जो डायलॉग डिलीवरी है, ठीक है, वो यार कुछ खास
मजा नहीं आ रहा था इनके डायलॉग सुन के मेरे को, ठीक है, वो फील नहीं आ रहा था मेरे को। बट हाँ, इनका जो एक्शन सिक्वेंस है वो गॉड मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। क्यों अच्छा लगा मैं अगर बात करूं कि इन्होंने जो स्टंट किया है ना मूवी के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रहा था। और मतलब मारपीट कर रहे थे, स्टंट वंट कर रहे थे, सही है, ये सेगमेंट सही था। बट हाँ, सिर्फ डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा सा चूक गए। और जो एक कैरेक्टर था मुस्कान का, जो कैरेक्टर मतलब उन्होंने जो कि मुस्कान बनी है वो है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है मैं यहाँ कहीं दे दूंगी। सो हाँ, उनका जो कैरेक्टर था मैं क्या ही बताऊँ, उनको तो कुछ खास तरीके से यूज भी नहीं किया गया है, बेसिकली उनको गर्लफ्रेंड बना दिया गया है उत्कर्ष सिंह का। सो हाँ, वो बस गर्लफ्रेंड बन गई और वो बस थी मूवी के अंदर, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने प्ले नहीं किया, थी बस। सो आगे बात करते हैं इस मूवी के अंदर ना, बहुत से मतलब एकदम जो 90s 80s के मूवी के अंदर कुछ सीन्स होते थे ना जो देख के एकदम से एकदम पुराने ख्यालात में इंसान डूब जाते, बिल्कुल वैसा कुछ मोमेंट है। जैसे कि एक है कि हम पढ़ते थे ना कि पढ़ते थे बोल रही हूँ, हम देखते थे ना कि ऐसे चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो एकदम चेहरा आ रहा है, इस मूवी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, मतलब चिट्ठी पढ़ रहा है किसी का चेहरा आ रहा है। सो ये सब कुछ देख देख के तो मैं काफी ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही थी थिएटर के अंदर। और हाँ, अगर मैं बात करूँ ये मूवी विजुअली कैसा लगा, काफी कलरफुल लगा यार, मस्त, सारे कलर्स मिल जाएंगे, कोई कलर छोड़ा ही नहीं गया है, सारे के सारे कलर्स एकदम भरा दिया गया है मूवी को, ठीक है। और पाकिस्तानियों का जो कुटाई किया गया है ना यार सही में बहुत कुटाई किया गया है। सो और मूवी के जो गाने थे, ठीक है, जो कि पुराने गाने यूज किए गए हैं वो सब कुछ तो मेरे को ठीक ठाक लगा, ठीक है, पुराने गाने तो ठीक ठाक क्या बताऊं, वो सही है, अच्छे ही है। बट जो नए गाने थे जो कि उन लोगों ने ऐड किया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बेकार था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये नहीं है, सूदिंग था, ठीक है, आवाज काफी सूदिंग लग रहा था मेरे को, गाने सारे मतलब ऐसे ना बोलूं कि हाँ यार वो तो अभी मेरे फेवरेट्स में ऐड हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है, बट ऐसी भी बात नहीं कि कोई चला देगा ना सामने तो मैं उसको जाके ऐसे बंद करके आ जाऊं, मैं सुन लूंगी, ठीक है, ऐसे गाने हैं। मूवी थ्रू आउट में क्या बताऊं, एंटरटेनिंग है, लॉजिकली एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इलॉजिकली, सब कुछ इलॉजिकली है। सो जाओ जाके फिर से अपने बचपन में खो जाओ, याद कर लो वो सारे के सारे दिन जब हम लोग है ना कि सन्नी देओल के फैंस हुआ करते थे, क्या अभी भी है, इसीलिए तो देखने गए। सो हाँ, जाओ एंजॉय करो ये ड्रामा, जो भी है ये मेलो ड्रामा बट बड़ा ही अच्छा था, एंटरटेनिंग था, मेरे को तो अच्छा ही लगा, पर बेसिकली अच्छा लगा, काफी एंटरटेनिंग था इसीलिए अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर टुडे, बाय।